जज साहब, क्या अदालत को यकीन है कि गीता, कुरान या बाइबल पर हाथ रखकर जो गवाहियां दी जाती हों सच होती हैं? अगर इन कसमों के बावजूद भी गवाह सच नहीं बोलता तो फिर इन पवित्र ग्रंथों का अदालत में अपमान क्यों? अगर फैसला ऐसे सबूतों और गवाहों के बिना पर होता है जो पैसे से खरीदे जा सकते हैं, तो बंद करवा दीजिए ऐसे रस्म और रिवाज जो कि झूठे हैं, पैसे से खरीदे जा सकते हैं। ये मुकद्दस ग्रंथ हमारे धर्म और ईमान का ताज हैं, हमारी जिंदगी की बुनियादें हैं। हम कसम खाएं भी तो कैसे खाएं? हम भी अपने जमीर के खिलाफ नहीं जा सकते, चाहे वो अदालत हो या जंग का मैदान। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू आवर चैनल टारगेट विद ललन सर्वा। तो आज का टॉपिक है विद्यार्थी, शिक्षा माफिया और देश का भविष्य। शिक्षा के क्षेत्र में सुधार के लिए एक नाम जाना जाता है, कल्याण सिंह का। पहले क्या है, गांव में कोई लड़का फर्स्ट डिवीजन आ जाता था तो लोग कहते थे, अरे फलाने का लड़का फर्स्ट डिवीजन आया है, या फलाने का लड़का सेकंड आया है, या फलाने का लड़का फेल हो गया है। जो जिस लायक रहता है उसी को उसी हिसाब से सम्मान मिलता है, ये प्रकृति के अनुकूल है। जब फेल वाला लड़का 84% पा जाएगा, बताइए खेत में गोबर लेके कौन जाएगा? इससे प्रकृति का संतुलन बिगड़ रहा है। पागल लड़का 84% पाएगा तो रेड चीफ का जूता पहन के लैट्रिन में घुस जाएगा, सड़क पे चलेगा तो बटन खोल कर चलेगा, समाज में अव्यवस्था फैलेगी। जितने लड़के हैं सभी 84% से जब ऊपर रहेंगे तो नौकरी के लिए बस में आग लगा देंगे, ट्रेन रोकेंगे, देश के लिए समस्या खड़ी करेंगे, जबकि ये लड़के किसी भी लायक नहीं है। पूरे उत्तर प्रदेश में 10% से ज्यादा लड़के पास होने की हैसियत नहीं रखते, इतना शिक्षा का स्तर गिर चुका है ये देश में। आजकल शिक्षा प्रभारी के रूप में जो विद्यालय में आता है, नाश्ते पर बिक जाता है और कहता है वॉइस रिकॉर्डर रोक कर केवल बहुविकल्पी हल करा दिया जाए। उसका फायदा उठाकर विद्यालय वाले कुछ ज्यादा करते हैं, और जो मटर दाल वाले टीचर होते हैं इनका क्या कहना है, इनको बहुविकल्पी हल कराने के लिए बोलो तो साहब थोड़ा सा और इजाजत दे देते तो और नकल करवा देते हैं, एकदम कुर्बान अली हो जाते हैं। इसके लिए एक पैसे की हैसियत नहीं रह गई है। इनका पढ़ाया लड़का नौकरी पा जाता, ये खुद बेरोजगार रहते हैं। भूमि परे को उठावन वारे, जो भूमि परे हो तो कौन उठावे, जो जगती को सचेत करे वो अचेत भय हो तो कौन जगावे। यही दुष्ट लड़का जो फेल होने की हैसियत रखता है, उसको जब आप 84% दिला देंगे तो हाई स्कूल से अगर वो इंटर में गया है तो ठीक से बैठेगा नहीं, पढ़ाई लिखाई नहीं करता, टीचर की रिस्पेक्ट नहीं करता। लड़के का बाप जो अपने जमाने में 34% पाए हैं, उनका लड़का 84% पाया है। बाप भी समझता है मेरा लड़का बड़ा टापर है, लड़का कोई गलती करे तो समझता नहीं लड़का मेरा सही है, टीचर गलत होगा। ये बदतमीजी चल रही है, पूरे लड़के असभ्य और जंगली हो चुके हैं बस कड़ाई ना होने की वजह से, और केवल 10% लड़के काम लायक है। अरे पहले क्या था, फर्स्ट डिवीजन, सेकंड डिवीजन, थर्ड डिवीजन चलता था। फर्स्ट डिवीजन वाले बच्चों को आप नौकरी देते, प्रकृति का संतुलन बना रहता, खेती बाड़ी भी होता है। अब सबको 84% दिला देंगे तो खेत में गोबर लेके कौन जाएगा, खेती का काम कैसे होगा? शैतानों की नाजायज औलाद देश में तहलका मचा रही है, और हम गरीबों के साहिदे जार में रहे इंसान जिंदगी को गाली बनाए बैठे हैं। क्या करे, साला एक मच्छर आदमी को हिजड़ा बना देता है, एक खटमल पूरी रात को अपाहिज कर देता है। गिरो गिरो तो उस झरने की तरह जो पर्वत की ऊंचाइयों से गिर के भी अपनी सुंदरता खोने नहीं देता, जमीन के तय से मिलके भी अपने अस्तित्व को नष्ट नहीं होने देता। क्या करे, साला एक मच्छर आदमी को हिजड़ा बना देता है। हर नामुमकिन को मुमकिन बनाने का दूसरा नाम राणा है। हम तो न तब झुके थे न अब झुकेंगे, हम देश के जिम्मेदार नागरिक हैं। समाज में गुंडागर्दी पैदा करने के लिए, अव्यवस्था फैलाने के लिए हम जिम्मेदार नहीं हैं, क्योंकि हम घटिया लड़कों को तरक्की नहीं देते। राणा को कोई स्कूल से भी निकाल दे तब भी वो झुक नहीं सकते और नकल नहीं करवा सकते। हेलो फ्रेंड्स, आज बस इतना ही, आने वाले कल में फिर किसी टॉपिक पर मिल सकते हैं हम लोग। आपसे बस इतना रिक्वेस्ट है कि आप हमारी आवाज को दूर तक पहुंचाएं। ऑल द वेरी बेस्ट।